आज मैं आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में बताऊंगी और उनकी लिखी हुई पोइम उत्साह और अट नहीं रही है। इसका पाठ प्रवेश और अर्थ प्रश्नोत्तर भी आज के चैप्टर में करेंगे। सबसे पहले मैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का आपको परिचय दूंगी। इसमें इनका जन्म जो हुआ है वो हुआ है बंगाल के महिषा दल में 1899 में। ये मूलतः गढ़ाकोला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। इनकी औपचारिक शिक्षा जो है 9th क्लास तक महिषा दल में ही हुई। स्वाध्याय, अंग्रेजी का ज्ञान, बांग्ला और संस्कृत का ज्ञान इन्होंने खुद से अध्ययन करके किया। ये संगीत और दर्शन शास्त्र के भी अध्येता थे, यानी कि पढ़ते थे। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा का उन पर विशेष प्रभाव था। इनका जीवन जो था, प्रारंभिक जीवन दुख और संघर्ष से भरा हुआ था। कुछ इनके आत्मीय जनों का निधन हो गया था, इससे ये भीतर तक टूट गए थे और साहित्यिक मोर्चे पर इन्होंने बहुत ही ज़्यादा संघर्ष किया। 1961 में इनका देहांत हुआ था। इनकी काव्य रचनाएं जो थी उसमें अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुता और नए पत्ते, उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में इनकी ख्याति जो है काफ़ी अविस्मरणीय मानी जाती है। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। ये विस्तृत सरोकारों वाले कवि हैं। इनके विस्तृत सरोकार का मीनिंग क्या है, यानी कि बहुत सारे विषयों पर ये लिखते हैं। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट और उदात्त चित्र इनकी रचनाओं में पाया जाता है। विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में इन्होंने नए नए प्रयोग किए, क्योंकि इनका स्वभाव कैसा था, थोड़ा विद्रोही था, यानी और जो काम कर रहे हैं उसके अलग चलने का। छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जनता के प्रति उनकी कविता में सहानुभूति का बहुत अधिक भाव पाया जाता है और शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति विरोध का भाव पाया जाता है। पाठ प्रवेश में, यानी कि चैप्टर शुरू करने से पहले पाठ का परिचय मैं आपको दे रही हूँ, तो मैं उत्साह के बारे में आपको ये बता देती हूँ कि ये एक आह्वान गीत है। आह्वान करने का मतलब होता है हम किसी को बुला रहे हैं जो बादल से संबंधित है। बादल जो है निराला जी का बहुत ही प्रिय सब्जेक्ट है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी है। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों हैं, दो चीज़ें हैं अलग अलग, यानी कि एक तरफ आकांक्षा को पूरा कर रहा है तो दूसरी तरफ नए पल्लव के लिए, यानी कि जो अभी अंकुरित नए पौधे हैं उनके लिए विनाश का प्रतीक भी है बादल। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भ में देखते हैं। दूसरी जो है अट नहीं रही है, यह कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है। कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है, यानी कि फागुन में जो सुंदरता आ जाती है मौसम में, उसे अलग अलग संदर्भों से हमारे कवि जो हैं वो व्यक्त करेंगे। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ
फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। उल्लास यानी खुशी। सुंदर शब्दों के चयन और लय ने कविता को फागुन की ही तरह सुंदर और ललित बना दिया है। यानी कविता में जो वर्ड्स चुने हैं कवि ने, वो इतने अच्छे हैं कि उससे पूरी कविता बहुत अच्छी हो गई है। तो चलिए पढ़ लेते हैं उत्साह कविता का अर्थ। बादल गरजो, घेर घेर खोर गगन धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो। कवि बादल को संबोधित करते हुए कह रहा है कि हे बादलों, हे धरती के आधार, तुम घोर घोर घेर 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 कर गगन में बरसो। ललित ललित काले घुंघराले, कुछ ललित यानी लाल और कुछ काले, घुंघराले यानी जिनमें घुंघर पड़े हुए हैं, घुंघराले बाल बाल की तरह के बादल। बाल कल्पना कैसे पाले, जिस प्रकार से बच्चों की कल्पना होती है उस तरह से तुम काले घुंघराले बादल जो है घिर घिर कर बरसो। विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले, तुम्हारे अंदर उर्मे यानी तुम्हारा पेट जो है, बादलों का पेट, यहाँ पे कवि ने मानवीयकरण किया है बादलों का, तुम्हारे अंदर बिजली कड़क रही है, लेकिन इसमें भी एक नए जीवन का मुझे संचार नजर आ रहा है। वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गर। तुम्हारे अंदर जो बिजली का तेज आवाज वाला वज्र छिपा हुआ है, तुम उससे लोगों में नव जीवन का संचार करो और तुम गरजो, तुम गरज कर लोगों में नव जीवन के भाव जो हैं उन्हें भर दो। विकल विकल उन मन थे उन मन, विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। विकल विकल यानी व्याकुल थे उन मन यानी जिसका मन ना लगे, विश्व के निदाघ के सकल जन, संसार के जितने भी लोग हैं वो सब व्याकुल हैं और विकल हैं, उनमने हैं यानी अनमने हैं, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। अनंत आकाश को कहते हैं और बादल जो हैं आकाश से आए हैं और हमें उनकी दिशा का कोई ज्ञान नहीं है। तप्त धरा यानी धूप से जलती हुई भूमि या धरती, जल से फिर शीतल कर दो, तुम अपना जल दे दो इस तप्त धरा को और ये फिर से शीतल हो जाएगी। हे बादलों, इस प्रकार तुम गरजो। इस कविता में कवि ने इस तरह से प्रकृति का व्यापक और समग्र वर्णन किया है। अट नहीं रही है, इस कविता की बात करते हैं। अट नहीं रही है आफा फागुन की तन, सट नहीं रही है। आफा का मतलब होता है चमक। कहीं इसमें ये कहा है कि तुम्हारे अंदर जो मौसम की आभा है फागुन की, वो कहीं भी टिक नहीं पा रही है, तन सट नहीं रही है, यानी आपके शरीर में नहीं समा रही है, यानी फूट फूट कर आपका सौंदर्य बाहर आ रहा है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, यानी कि जब तुम सांस लेते हो तो तुम सभी जगहों को, सभी घरों को भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। फाल्गुन के बारे में कवि ये कहता है कि तुम आकाश में उड़ने के लिए भी पंख देते हो। आंख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है,
फाल्गुन का सौंदर्य के बारे में कवि कहता है कि यदि मैं अपने नेत्रों को हटाने की कोशिश करूं तो हटते नहीं हैं, यानी मैं लगातार उस सौंदर्य को देख रहा हूं। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, यानी हर डाली पर लाल और हरे पत्ते उगाए हैं। आप देखेंगे कि फाल्गुन का जब महीना होता है तो छोटे छोटे लाल कोमल पत्ते पेड़ों पर आ जाते हैं, कुछ बड़े पत्ते जो होते हैं वो हरे होते हैं। कहीं पड़ी है उर में, उर का मतलब है पेड़, मंद 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 गंध पुष्प माल, यानी बहुत धीमी धीमी गंध वाले फूलों की माला वाले पेड़ पौधे जो हैं वो फाल्गुन की शोभा बढ़ा रहे हैं। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है, शोभा श्री का मीनिंग है यहाँ पर कि पूरे वातावरण की सुंदरता हर जगह फैली हुई है और उसका कोई और छोर नहीं है। ये इसमें कविता में कवि ने फाल्गुन के सौंदर्य का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है और कविता में जो है मानवीयकरण भी किया है। उसके बाद आती है प्रश्नोत्तर। इस पाठ के प्रश्नोत्तर जो हैं इसमें मैं पहला आपको बता रही हूँ। पहला प्रश्न है कवि बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने को क्यों कह रहा है। गरजने को इसलिए कहता है, देखिए कवि ने बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के लिए नहीं बल्कि गरजने के लिए कहा। क्यों? क्योंकि गरजना विद्रोह का प्रतीक है। एक ही चीज़ को याद रखना है, विद्रोह का प्रतीक है। कवि ने बादल के गरजने के माध्यम से कविता में नूतन विद्रोह का आह्वान किया है। दूसरा प्रश्न है कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है। उत्साह इसलिए रखा गया है कविता का शीर्षक, यह एक आह्वान गीत है। आह्वान गीत कवि क्रांति लाने के लिए लोगों को उत्साहित करना चाहते हैं। बादल का गरजना लोगों के मन में उत्साह भर देता है, इसलिए कविता का शीर्षक उत्साह रखा गया है। प्रश्न है कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। बादल जो है जल बरसाने वाली शक्ति है। दूसरा, बादल पीड़ित प्यासे जिनकी आकांक्षा को पूरा करने वाला है। तीसरा, बादल कवि में उत्साह और संघर्ष भर के कविता में नया जीवन लाने में सक्रिय है। प्रश्न है शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो नाद सौंदर्य कहलाता है। उत्साह कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिनमें नाद सौंदर्य मौजूद है, छांटकर लिखो। नाद सौंदर्य वाले शब्द हैं घेर घेर घोर गगन दर धारा धरो, ललित ललित का लेख मुराले बाल कल्पना कैसे पाले। तीसरा, विद्युत छवि उर्मे। अब अट नहीं रही कविता के प्रश्नोत्तर करते हैं। छायावाद की खास विशेषता है अंतर मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। कविता की किन पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है। उत्तर में लिखेंगे कविता के निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़कर या पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है कि प्रस्तुत कविता में अंतर मन के भावों का बाहर की दुनिया के साथ सामंजस्य बिठाया गया है। पंक्तियां हैं कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। कवि की आँख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है, प्रश्न ये है। उत्तर है फागुन का मौसम और दृश्य अत्यंत मनमोहक होता है। चारों तरफ का दृश्य अत्यंत स्वच्छ और हरा भरा दिख रहा है। पेड़ों पर कहीं हरी तो कहीं लाल पत्तियां हैं। फूलों की मंद मंद खुशबू हृदय को मुग्ध कर लेती है, इसलिए कवि की आंखें फाल्गुन की सुंदरता से नहीं हट रही हैं। प्रश्न है प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है। प्रस्तुत कविता अट नहीं रही में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने फाल्गुन के सर्वव्यापक सौंदर्य और मादक रूप के प्रभाव को दर्शाया है। पेड़ पौधे नए नए पत्ते फल फूल अटे पड़े हैं, हवा सुगंधित हो गई है, प्रकृति के कण कण में सौंदर्य भर गया है। खेत खलिहान भी हरे भरे हो गए हैं, बाग बगीचे जीव जंतु पशु पक्षी चौक चौबारों में फाल्गुन का
उल्हास सहज ही दिखता है। प्रश्न है, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न है? उत्तर है, फाल्गुन में सर्वत्र मादकता मादकता छाई रहती है, प्राकृतिक शोभा अपने पूर्ण यौवन पर होती है, पेड़ पौधे नए पत्ते फल और फूलों से लद जाते हैं, हवा सुगंधित हो जाती है, आकाश साफ और स्वच्छ हो जाता है, पक्षियों के समूह आकाश में विहार करते हुए दिखाई देने लग जाते हैं, बाग बगीचे और पक्षियों में उल्लास भर जाता है। इस तरह फागुन का सौंदर्य बाकी ऋतुओं से भिन्न है। प्रश्न है, इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषताएं बताइए। उत्तर होगा, महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने छायावाद के जो मुख्य कवि हैं, छायावाद की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? प्रकृति चित्रण और प्राकृतिक उपादानों का मानवीकरण और उत्साह और अट नहीं रही, दोनों कविताओं में प्रकृति के उपादानों का चित्रण है और मानवीकरण किया है, दोनों में मानवीकरण किया है, बादलों का भी और फाल्गुन का भी। काव्य के दो पक्ष होते हैं, एक अनुभूति और दूसरा अभिव्यक्ति अर्थात भाव पक्ष और शिल्प पक्ष। इस दृष्टि से दोनों कविताएं सराहनीय हैं। छायावाद की अन्य विशेषताएं हैं जैसे गेयता, प्रवाहमयता, अलंकार योजना और संगीतात्मकता आदि भी विद्यमान है इसमें। निराला जी की भाषा एक ओर संस्कृत निठ सामासिक और आलंकारिक है तो दूसरी ओर ठेठ ग्रामीण शब्दों का प्रयोग भी किया है। अतुकांत शैली में रचित कविताओं में क्रांति का स्वर मादकता और मोहकता भरी है। भाषा सरल सहज सुबोध और प्रवाहमयी है।